तो दोस्तों सूरत के जहाँ पर रिंग रोड जो फेमस है कपड़ों के लिए, तो दोस्तों अभी हम वहाँ पर आ चुके हैं जे टेक्सटाइल मार्केट के सामने, जहाँ पर मैं सेंटर में भी खड़ा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं सालासर हनुमान द्वार है, जो रिंग रोड के सेंटर में आता है। आज हम जाने वाले कट पीस के एक बहुत ही शानदार जगह पे, जहाँ पे आपको सारी केजी के दाम में वेराइटीज़ मिलेगी, और प्लस वहाँ पर आपको जो भी चीज़ें मार्केट प्राइस से अराउंड 30-40% डिस्काउंट के साथ मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे अपने जैसे देखा, तो यहाँ पर मैं जिस तरफ से जा रहा हूँ रास्ते पर, आपको उसी तरफ जाना है, और थोड़ा सा मैं आपको अभी पूरा दिखाऊंगा किस हिसाब से आपको आगे बढ़ते रहना है। ये जैसे रिंग रोड मेन रिंग रोड है, और अभी हम जा रहे हैं न्यू रतन मार्केट। आपने जो शिव शक्ति अपने देखा उससे थोड़ा सा आगे आएंगे, तो यहाँ पर आप शिव शक्ति था, और यहाँ पर आपको राइट लेके यहाँ पर आपको मुड़ जाना है। जैसे अभी सूरत ओपन हुआ है मॉर्निंग के 7:30 अर्ली मॉर्निंग है, तो सब लोग अपने काम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और उसी हिसाब से हम भी बढ़ रहे हैं कुछ नए दौर की ओर। तो थोड़ा सा अभी आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट। और दोस्तों जिससे आगे बढ़ते रहते, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चंद दूरी यानी कि 10-20 कदम के आगे आपको यहाँ पर राइट साइड अभी दिखेगा न्यू रतन मार्केट मिलेगा, थोड़ा सा कुछ इस हिसाब से कुछ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको चढ़ जाने हैं थर्ड फ्लोर। अभी जैसे मॉर्निंग हुई तो अभी सब दुकानें क्लोज है, मैंने जस्ट मॉर्निंग में जल्दी लोगों को बुला लिया था, क्योंकि यहाँ पर इतना रश रहता है दोस्तों, आप बात नहीं पूछ सकते, इतना रश रहता है, डेफिनेटली वीडियो का बिल्कुल भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर आपको थर्ड फ्लोर तक आ जाना है। थर्ड फ्लोर हम जैसे पहुँचेंगे, ये सेकंड फ्लोर हो गया, यहाँ पर भी जैसे नीचे देख रहे हैं उनका गोदाम है यहाँ पर, और अभी हम और ऊपर जाएंगे जहाँ पर भी उसका मेन ऑफिस है, जहाँ पर अपने मैं आपको सारी वेराइटीज़ दिखाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर हम पहुँच गए थर्ड फ्लोर, और थर्ड फ्लोर ये आपको सामने जो दिख रहा है ये है श्री महाकाली कट पीस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम सारी वैरायटी दिखा रहे हैं, जैसे आप फ्रेश में लोगे जैसे 120 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए मीटर, इस तरह से 100 रुपए मीटर, पूरे 100 की एल है, और परफेक्ट मीटर गिना हुआ आएगा। जो आप डिजाइन चाहिए वो आप ले सकते हो, येलो कलर आप देखिए, मतलब जो आपको चाहिए ना वो डिजाइन आप ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना ही पूरा लेना पड़ेगा, वो नहीं है। आराम से चीज आप पूरे मार्केट में आप तपास कर सकते हो, डिजाइन है क्या, रेट क्या, उसके बाद में आप लेके जाओ। और मैं खुला बोलता हूँ कस्टमर, आप कोई बोलते हैं भाई हमारे को साथ में लेके जाना है, आप साथ में ले जाओ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे को देखो जैसे ये चीज बता के ये डालना नहीं है, क्योंकि हम अगर 450 बोल रहे तो आपको 250 रुपए ने बताया, अगर 450 बता रहे तो चीज जो बताइए वही आपको पार्सल में आएगी। exactly. और आप बोल रहे हो साथ में ले जाना, साथ में ले जाओ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो घंटे ज्यादा साथ में ले जाना, साथ में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आ चुके महाकाली कटपीस सेंटर के अंदर, जहाँ पर कई सारी वेराइटीज मैंने लास्ट यहाँ पर अराउंड 6-7 महीने पहले आपको वीडियो दिया था, वापस लोगों के रिक्वायरमेंट है तो वापस वीडियो बनाने के। तो हेलो सर, कैसे हो आप? बस ठीक है सर जी, नमस्ते। तो सर पहले तो अपने बिजनेस के बारे में बताइए, यहाँ पर क्या क्या वेराइटीज रखते हैं, कौन कौन से? देखिए वेराइटी मेरे पास बहुत है, जैसे बहुत टाइम से वीडियो बना नहीं है अपना, जैसे कोई काम चल रहा था रो का, राइट, वो ऐसा, बाकी पहले जो वीडियो बने अपने अच्छा रेस्पॉन्स मिला है, वापस कस्टमर का ऐसा आ रहा है। मैं आपको आइट में जैसे बताता हूँ, एक एक आइटम बताऊंगा आपको, खोल खोल के बताऊंगा, मतलब ऐसा नहीं है क्या मीटर पड़ता क्या बताया वो चीज नहीं है। exactly. आप एक एक चीज देख सकते हो, जैसे ये आएगा डिजिटल 3D को बुलाने वाला है, क्या बात, कलर डिजाइन फुल मिल जाएगी आपको। एग्जैक्टली 44 का पन्ना आपको आ जाएगा, 44 पन्ना आएगा। ओके okay. और इसमें ऐसा नहीं जैसे मैं आपको 2 से प्लस बोलता हूँ 1.5 मीटर निकल गया, वैसा नहीं है। okay. मतलब कोई भी जैसे कस्टमर आता है, मेरे को बोला आप किसमें भैया 2 पीस खोल के बताओ, मैं खोल के बताऊंगा, ऐसा नहीं है। 10 का प्लस रहेगा तो 10 से प्लस ही कट रहेगा। आज मैं पूरा आपको नया कलेक्शन नहीं बता रहा हूँ, जैसे अभी चल रहा है ये मिरर वर्क, मिरर में भी बहुत ज्यादा अभी डिमांड है, जैसे जैसे रिवन वर्क रहेगा, इसमें आपको जैसे कपड़ा रहेगा, ये रिवन रहेगा, ओरिजिनल 14 किलो रहेगा, 14 kg इस तरह का कपड़ा रहेगा। जैसे आप इसका कुर्ती बना लो, आप जैसे कुर्ती बनाओ, 1 पीस बनाओ, गाउन बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हो। जैसे ये देखो, इसमें आपको 4 प्लस कट चाहिए 4 प्लस मिल जाएगा, 10 मीटर प्लस चाहिए 10 प्लस मिल जाएगा। प्राइस में कोई डिफरेंस होता है? प्राइस में डिफरेंस जैसे कट रहता है वो हिसाब से रेट, जैसे पहले भी मैंने बताया जैसे 2 प्लस लोगे तो रेट कम हो जाएगी, 4 से प्लस बढ़ जाएगी, थोड़ा 10 से प्लस बढ़ जाएगी, वो हिसाब से कट के हिसाब से रेट रहती है। टोटल फैंसी आइटम बताऊंगा, जैसे ये हो गया 9000 वेलवेट, अभी वेलवेट की फुल डिमांड है डेफिनेटली। जैसे ये आएगा, ये मार्के वाला 9000 आएगा ओरिजिनल, जो मतलब खींचेगा नहीं और उड़ेगा नहीं, ओरिजिनल वेलवेट आएगा, ठीक है। और एक अभी नया चल रहा है जैसे जेंटलमैन हो गया, जैसे पहले जॉर्जेट चलता था, okay. जॉर्जेट में जेंटलमैन आया नया, जिसमें अस्तर नहीं लगता, okay. इसमें डिजाइन आपको बहुत मिल जाएगी मेरे पास, okay, okay, ये सब डिजाइन है इसकी, जैसे एक एक राइट आप डिजाइन देख सकते हो, डेफिनेटली एक से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, एक से बढ़िया वेराइटीज है दोस्तों। और खास करके यहाँ पर अलग अलग जैसे प्रिंट भी आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग प्रिंट मिल जाएगी, और फैब्रिक की दोस्तों गारंटी, यहाँ से जो भी बोला जाएगा वही मिलेगा। और जैसे आगे मैं आपको एक वेरायटी दिखा दूं, ये चिकन रहेगा, जैसे
जैसे रियोन पे है, जैसे कॉटन पे चिकन के साथ अभी रियोन पे चल रहा है, जैसे प्लाजो हो गया, कुर्ती हो गया, ब्लाउज में यूज कर सकते हो, किसी में भी यूज करो। और दोस्तों वेराइटी कौन सा, देखिए सिक्वेंस का भी इसके अंदर काम का जा रहा है, डेफिनेटली ये तो कॉस्टली बहुत ज्यादा भी होता है, बट ये यहाँ पर आपको आधे रेट में, जो मार्केट का प्राइस होगा उससे आधे रेट में यहाँ पर चीज। देखो मैं इसमें ऐसा नहीं बोलता, जैसे कोई कस्टमर बोलता है नहीं ये भाव पड़ता है, कोई दुकानदार बोलता है आधे भाव में पड़ता है, लेकिन मैं ये कहता हूँ 30% 40% सस्ता ही मिलेगा, सस्ता ही मिलेगा। जैसे एक नया चीज चला है सोना चांदी, सोना इसको साड़ी में यूज कर सकते हो, वन पीस बना सकते हो, गाउन बना सकते हो, किसी में भी। इसका अगर आपने बॉर्डर लगाए तो साड़ी बन जाएगी, अगर आप कुछ भी बना सकते हो, जैसे इसमें कलर आ जाती है तो भी आप आराम से बना सकते, मतलब एक बंडल में कम से कम 25 डिजाइन रहे। तो सर मेरे को पूरा बंडल लेना पड़ेगा कि हाफ बंडल? जैसे इसमें ऐसा है, जैसे अगर कोई नया कस्टमर चालू कर रहा है तो उसको हम क्या, जैसे आधा ये कर देंगे आधा ये कर, उसकी रेंज बना देंगे। जैसे रेगुलर जो कस्टमर है उनको तो आइडिया है ओके, तो वो पूरा बंडल डाल देते सीधी बात। लेकिन नया कस्टमर को चालू करना चाहता उसको आधा आधा करके हम सेटअप करके दे सकते हैं, ताकि वो आगे भी वापस काम कर सके, समझा? जैसे एक ये मसलिन आएगा लाइनिंग, जो अभी प्लाजो में चल रहा है, सही है, आप प्लाजो बनाओ, कुर्ती बनाओ, चीज देखो क्या बात है। चीज टोटल मैं आपको एंटिक बताने वाला हूँ आज, जो मेरे पास नया कलेक्शन आया पूरा वो चीज बताने वाला हूँ। एक आएगा ये डिजिटल, ओके, मैं पीस आपको एक एक खोल के बता रहा हूँ, समझा? ऐसा नहीं मैं आपको प्रिंट भी आप 10 से प्लस बोल रहा हूँ, 2 मीटर का कट निकल गया वो चीज नहीं रहेगी। जैसे 10 से प्लस बोला है तो 10 से प्लस ही रहेगा, समझा? एग्जैक्टली जैसे आप देख रहे हैं 10 से प्लस का कट आने वाला, फैब्रिक भी पूरा मतलब फ्रेश जैसा आ रहा है। जैसे इसमें कैसा मेरी बात हो, जैसे अभी कैसा हो गया काम, जैसे मैं आपको 10 से प्लस की रेट समझो, मैं 380-430 जो भी बता रहा हूँ, तो आगे कोई दूसरा दुकानदार क्या बताएगा, इसका 250 रुपए रेट बताएगा। 250 रुपए में जैसे ये चीज तो आएगी नहीं, आपको दूसरी चीज आएगी, उस चीज का आपको ध्यान रखना। जैसे मैं आपको 10 से बड़ा कट दे रहा हूँ तो आपको 10 से बड़ा बताएगा, फिर हो सकता है इसमें 2 से बड़ा डाल दे, वो चीज थोड़ा अभी कट इसमें ज्यादा हो गया, ध्यान रखना पड़ता है, वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और पहली बात ये देखो, जैसे कहीं से भी माल आप कपड़ा लेते हो, बरोबर, जैसे मैं आपको ये बंडल बता रहा हूँ 10 मीटर से प्लस है, तो आप मेरे को बोलो भैया मेरे को 4 पीस खोल के बताओ, मैं खोल के बताऊंगा, सीधी बात, अपने मन में धोखा नहीं, आप जितने पीस बोलोगे मैं खोल के बताऊंगा ये कट है और साफ सुथरा माल है, मैं देख दूंगा सामने सामने आपको खोल के दिखाऊंगा, जो खोल के नहीं दिखा रहा मतलब नियत में खोल, बस। और जो भी चीजें मैं सामने, जैसे मैं ऐसा नहीं बोलता कट पीस फ्रेश आता है, इसमें देखो नॉर्मल 5% आता है, लेकिन जिसमें आएगा उसमें भी मैं बता के दूंगा, सर जी इसमें आपको मतलब कहीं से जैसे कहीं माल बचा कुछ स्टॉक में, जैसे मतलब इसमें ऐसा होता है, जैसे ये हो गया इसमें कैसा, जैसे फ्रेश में कोई 20 मीटर 40 मीटर निकल गया, लास्ट में जैसे टीपी पड़ गई, कोई 10 मीटर बच गया, कोई 8 मीटर बच गया, तो वो लोट हमारे पास आता है। ऐसा नहीं सब में खराब आता वो नहीं है, लेकिन नॉर्मल तकलीफ आती है, सही है, लेकिन हमारा कैसा जिसमें आएगा हम बता के देंगे, इसमें 5% आएगा 10% आएगा, आपको समझ में आए तो उसको डालना। तो सर जैसे एग्जांपल मैं केरला से या फिर कर्नाटक से हूं, तो मैंने आपसे 1 लाख रुपए का माल मंगाया, उसमें मेरे को मिल रहा है कि भाई 20% में तो कुछ डिफेक्ट मिल रहा है, फिर मेरे को समझ नहीं आ रहा। जैसे उसमें ऐसा है देखो, हम ये कहते हैं भाई जैसे 10% कोई आ गया ओके, उसको ऐसा करो जैसे कोशिश करो भाई भाव डुबा बिक जाएगा आपका, समझा? तो भी अगर नहीं बिकता तो हम उसमें चेंज कर सकते हैं, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम बोल के देंगे इसमें ये तकलीफ आएगी, उसमें आपको समझ में आए तो डालना है। जैसे इसमें मैं बोल रहा हूँ फ्रेश है और तकलीफ आई है तो 5 किलो माल है उसका भी चेंज होगा, वो कोई टेंशन नहीं है। मतलब पूरा बिल के ऊपर मतलब काम देखो, एक बार काम करना है तो फिर नहीं करेंगे, रेगुलर काम करना है तो करना ही पड़ेगा। देखो सीधी बात, एक आएगा मसलिन वर्किंग जो अभी नया चल रहा है, एग्जैक्टली ठीक है, मसलिन पे पूरा वर्क आएगा, इस तरह का वर्क आएगा, राइट सर? ठीक है, ये देखो मसलिन के ऊपर बहुत ही सुंदर खूबसूरत दोस्तों काम है, जैसे क्या बात है, ओरिजिनल मसलिन आएगा, ओरिजिनल मतलब वैरायटी आपको हर 4-5 दिन में नई नई वैरायटी देता रहूंगा। क्वालिटी यहां से आपको मिल पाएगी, जैसे यहां पे सर दिखा रहे इतनी सारी क्वालिटी अपने को दिखाई, सर टोटली कितनी क्वालिटी होगी सर? सर ऐसे तो क्वालिटी मेरे पास कम से कम 500 वैरायटी है। क्या बात है, सब तो आपको यहां से बता नहीं पाऊंगा, लेकिन जो मेन अभी नया चल रहा है मैं वही आइटम आपको बता रहा हूं। जैसे क्या होता है इसमें मेरी बात, जैसे नया कस्टमर कोई आता है उसको आइडिया नहीं रहता है, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे नई वैरायटी जो अभी चल रही है उसकी उसको रेंज बना के देते, ऐसा नहीं जो भी पड़ा है उसको दे दिया, जैसा जैसे नया कस्टमर आता है हमारे हिसाब से उसको आइटम सेट करना, मतलब बिकने वाला आइटम सेट करके देता कि वो वापस बेचे तो वापस अपने पास आ सके, सही, उसका बिजनेस सेट होना सेट है। अब मैं उनको जैसे 2 बंडल नहीं चल रहा है वो उनको पकड़ा दूंगा, भैया अच्छा चल रहा है उनका, चला नहीं तो हम भी बैठे वो भी बैठे, लेकिन काम वही होता है, जैसे एक बार उनका चल गया तो वापस दोबारा हमारे पास आ। एग्जांपल ये वैरायटीज में लेके गया एग्जांपल, तो मेरे को आगे इसके अंदर कितना मार्जिन रख के बेच देना चाहिए सर? वो सर जी देखो ऐसा है, जैसे जैसे ये रेट है अभी बरोबर, ये जैसे 150 रुपए मीटर 130 रुपए मीटर ऐसा है, तो आप जैसे ये पड़ता है आपको समझो एवरेज 50 रुपए मीटर 45-50-60 रुपए मीटर में पड़ता है, तो उसको आप कैसा जैसे आप ये देखोगे नहीं बार मेरे को त्रिबल करना वो नहीं हो सकता, जैसे 50 में पड़ता है 100 में बेच सकते हो, डबल तो मिनिमम होना है, मिनिमम होना जैसी चीजें आराम से, जैसे उसमें ऐसा जैसे 80 में बेचो कोई जरूरी, जैसे इसमें क्या है सर जी, जैसे आप एक बार मार्जिन कम रखोगे आपके क्या कस्टमर एक बार सेटअप हो जाएंगे, सेटअप होने के बाद आप कैसे भी बेच सकते हो उसको। अपना जैसे यहाँ पर रियोन की मैं बात करूं, रियोन अपना कितने केजी पड़ेगा? रियोन देखो इसमें अलग अलग आता है, जैसे 17 केजी आता है, कोई कस्टमर ये बोलता है मेरे को जैसे 350 बताया हुआ है और यहाँ पे आने के बाद आप 400 क्या
450 बता रहे हो, तो इसमें कैसा जैसे क्वालिटी है, जैसे 12 किलो रियोन हो गया, 14 किलो हो गया और 17 किलो रियोन आता जो 60 बनना आता है, इसमें दो तीन क्वालिटी है। कस्टमर को ऐसा लगता है मेरे को 350 बताया, यहाँ पे आने के बाद 450 बता रहे हो, तो उसमें क्या क्वालिटी का फर्क रहता है? आप क्वालिटी देखो, हम उसमें क्या जैसे 12 किलो बता के आपको 14 किलो बता के 12 किलो नहीं देंगे। मैं तीनों वेरायटी सामने बताऊंगा, जो आपको समझ में आ रहा है वो वेरायटी आप डाल सकते हो। तो सर अपना थोड़ा कुछ वेट वेट करके देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बंडल कितने का? जैसे एग्जांपल ये बंडल एक आएगा, ये पियो ना, जो अभी जैसे प्लाजो में चल रहा है, प्लाजो हो गया, कुर्ती हो गया, जैसे पटियाला सलवार बना सकते हो आप, उसमें हो गया, किसमें भी आप सेटअप कर सकते हो। मैं कस्टमर को हर बार हर वीडियो में मैंने बोला हुआ, मेरे पास जैसे कि कस्टमर बोलता है मेरे को नुकसान होता है, तो नुकसान किस हिसाब से होता है समझ रहा? इसमें कैसा होगा, जैसे आपने कोई नए कस्टमर आए हैं तो उनको क्या करेंगे, रेट कम बता देंगे, समझा? रेट कम बता के उसको 20 किलो माल कम डाल दो, उसमें वहाँ पे आपको नुकसान हो जाता है। सही, मतलब मेन आपको वहाँ पे ध्यान देना, नुकसान ध्यान देना, और चीज ये दिन फिर दूसरा डाल दिया उसमें आपको नुकसान होता है, उसमें नुकसान होता है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आगे चलते जैसे कुछ ये चीज आएगी, क्या बात दोस्तों, एक से बढ़िया प्लेन हो गया, प्लाजो हो गया, किसमें भी यूज कर सकते हो। ये 12-13 रुपए मीटर पड़ता है, जो एक्सपोर्ट क्रेप बाय क्रेप होता है, इसको आप सलवार वलवार किसमें भी यूज कर सकते हो, इसमें कलर आपको मिल जाएंगे चाहिए। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आगे चलते सर कुछ वैरायटीज को, दोस्तों बहुत सारी वैरायटीज है, वेलवेट पकड़ लो आप, रियोन पकड़ लो, कॉटन पकड़ लो, पकड़ लो जाम, जैसे यहाँ पर अपने क्या बोलते हैं ड्रेस मटेरियल में भी बहुत ज्यादा इस चीज का यूज होता है। आप किसमें भी जैसे कुर्ती बनाओ, सलवार बनाओ, किसमें भी यूज करो, सब में चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। राइट, ठीक है। जैसे अब ये चीज देखो, जैसे हमारे पास पोटला ही लेना पड़ेगा सर? नहीं, ये जैसे पोटला आते हैं इसको हम रेडी करवाते हैं, समझा? ओके ओके। जैसे इस तरह का वापस फोल्डिंग होगा, फोल्डिंग होगा, डेफिनेट। जो इसमें इस तरह का कोई कट होगा उसको बाहर निकाल लेंगे। सही, मतलब इसमें जो छाटा जाता है, जो छाटा है उसके तरह पूरा एक सेटिंग करके दोस्तों फिर आपको वापस माल दिया जाता है। दोस्तों डेफिनेटली सर को यहाँ पे मैं कई सालों से जानता हूँ, और डेफिनेटली आगे के वीडियो भी आप लोगों ने, जैसे अब ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कट आ गया, जैसे 5-6 मिनट डिजाइन एक से भरकर, मतलब सर के पास डेली कुछ कुछ वैरायटीज आती रही। तो सर जैसे यहाँ पे ऑनलाइन मंगाया तो सही रहेगा, ऑफलाइन मंगा के? ऑनलाइन देखो, ऐसा जैसे नया कस्टमर है, एक बार उसको जैसे हमारे हिसाब से वैरायटी बना के भेजते, गलत भेजेंगे नहीं उसको, लेकिन फिर भी एक बार अगर आके लेके जाओ तो उसमें बढ़िया रहता है, दूसरी बार तो हम खुद भेज देंगे। और आगे चलते कौन से प्योर, जैसे कैमरे का आएगा, कैमरे के ऊपर प्योर कॉटन आएगा, चीज डिजिटल प्रिंट, मतलब दोस्तों मतलब खदान है, यहाँ से आप हीरा भी ढूंढ सकते हो, सोना भी ढूंढ सकते हो, सब आएगा, देखो चीज सब चीज आएगा, मतलब एक तरह से एक पूरा का पूरा वो उतरा है। क्या प्रिंट है देखो आप, एक से एक, डेफिनेटली डेफिनेटली, बहुत बंदेज हो गया। राइट सर, ठीक है। और आगे चलते जैसे कौन सा आएगा, देखो ब्लैकबेरी कॉटन आएगा, ब्लैकबेरी 2 मीटर से लगा के 6 मीटर तक आएगा। क्या बात है, 2 मीटर से लगा के 6 मीटर के अंदर वेराइटीज देखिए दोस्तों, डिजाइन देखिए, यही डिजाइन बाहर जाओगे बहुत ही कॉस्टली दामों में दोस्तों, आराम से सर ने जैसे बोला कि दुगना प्राइस यहाँ पे आराम से मिनिमम हो जाने वाला है। डेफिनेटली डेफिनेटली। और आगे जैसे थोड़ा सा चलते कुछ और वेराइटीज की ओर सर, देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सर, ये क्या दुपट्टे का रहता है कपड़ा? ये जैसे ब्लाउज का आएगा, ब्लाउज का कपड़ा आने वाला, जैसे अपने बना रहे बोलते या फिर वो ब्रोकेट बोलते, मतलब ये जैसे ब्लाउज में यूज करो, जैसे टॉप बना सकते हो, किसमें भी यूज कर सकते हो, समझे? जैसे ये ब्लाउज में चलता है एक्चुअली, राइट, ब्लाउज में वो हिसाब से आप सेटअप कर सकते हो। ठीक है, और आगे चलते सर कॉन्सेप्ट क्यों, जैसे ये सस्ते वेरायटी फिर ये देखो, ओके कैसा 160 रुपए किलो आता है, जैसे कोई 10-12 रुपए मीटर पड़ गया। तो दोस्तों जिस सर ने यहाँ पे बताया 160 मतलब प्राइस आने वाला 15 किलो का बंडल, 15 केजी का, तो दोस्तों आराम से एक बंडल आप पकड़ के चल दिए कि आपका उस हिसाब से एक मैच जाएगा, ऑर्गेंजा मतलब फुल चल रहा है। ओके, ये देखो क्या बात है। तो सर ये पूरा कितने मीटर का कट है? और ये समझो कोई 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर आराम से इस तरह ये चीज, मतलब आराम से बाहर जो बहुत ही कॉस्टली दाम, अगर इसकी साड़ियां अभी देखो जैसे मेरे पास ये 430 रुपए किलो 20 मीटर से प्लस है। क्या बात, बराबर ये कम से कम 32 मीटर चढ़ेगा। क्या बात है, 32 मीटर मैं आपको कांटे पे तोल के बताऊंगा। डेफिनेटली थोड़ा सा ये दिखाई, 1500 की साड़ी अगर मैं बात करूँ 1600-1800-2000 तक ऑर्गेंजा कपड़े की, इसमें डिजाइन कलर आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली इसके ऊपर आप थोड़ा वर्क करवा लो, बॉर्डर करवा दो, डेफिनेटली बोला 400 में मतलब कितना सर केजी चढ़ जाएगा इसमें? 430 रुपए किलो कम से कम 32 मीटर कपड़ा चढ़ता है, 32 मीटर ओरिजिनल ऑर्गेंजा आएगा, तो आराम से समझो 15-17 रुपए मीटर पड़ेगा, और पूरा फ्रेश है ये देखो। ओके ओके, सब पूरा इस तरह की टीपी आती है, पूरा ये टीपी रहता है दोस्तों पूरा इस तरह से, इसमें ऐसा नहीं अंदर टुकड़े है या वो है, वो चीज नहीं है, मतलब जो है सामने बता के देंगे कस्टमर को, ऐसा नहीं ये बताया वो डाल दिया, वैसा काम अपना नहीं है, समझा? इसलिए मैं एक बार बोलता हूँ कस्टमर, एक बार दुकान पे आता है उनको भी आइडिया देगा भाई दुकान कहाँ पे है क्या है। और सबसे जरूरी बात ये है, जैसे रोड पे जो एजेंट घूमते हैं
जो है नहीं, आप मेरा नंबर है उस पर कॉल करो, बंदा आएगा लेना, उसके साथ में आप आओ। सीधी सी बात है, देखो सीधी बात है, एजेंट पे देखो 5 रुपए वो बढ़ जाएगा, समझा, वही 5 रुपए मैं कस्टमर को फायदा करूंगा, समझो, किसी के साथ नहीं आना, किसी के साथ नहीं, डायरेक्ट आना, मेरे को कॉल कर दो आप, बंदा लेने आ जाएगा उस नंबर से, उसके साथ आप आओ। मैंने दोस्तों यहाँ पर नंबर दिया डायरेक्ट सर का, डायरेक्ट सर से बात कीजिए, ऑफिस ने मैंने आपको नीचे सब कुछ शक्ति से लगा की कैसे आपको यहाँ पे आना वो भी बता दे, थर्ड फ्लोर न्यू रतन मार्केट के अंदर 2008-09 जैसे यहाँ पे, और सर जैसे यहाँ पे मतलब संडे के दिन भी चालू रहेगा, संडे चालू है, संडे में दीपावली तक चालू रहेगा, तक चालू तो नहीं, वैसे हमारा तो देखो संडे हर संडे चालू रहता है, कभी बंद नहीं रहता, बाकी ऐसे अभी मार्केट नॉर्मल है, दीपावली के हिसाब से संडे चालू रहेगा। तो दोस्तों 365 डे कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हो, सुबह जैसे आराम से 9 बजे ऑफिस ओपन हो जाता है और रात के आपको 9 बजे तक ऑफिस रहने वाला है। तो दोस्तों कभी भी आइए, कई सारी वेरायटी से कई सारे फेब्रिक, कितने फेब्रिक यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, जैसे फॉइल के अंदर है, वेलवेट के अंदर है दोस्तों, अलग अलग कई सारे चिकन के अंदर, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ आपको तो बहुत सारी वेराइटीज, बहुत सारे गोडाउन का थोड़ा नेटवर्क पड़ा हुआ, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो सर जैसे यहाँ पे कोई जैसे माल मंगा रहा है ऑनलाइन, तो पेमेंट मेथड कैसे देना है? पेमेंट जैसे देखो अपने अकाउंट नंबर है उसमें आप डाल सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, लेकिन जो अपने दुकान का मतलब जैसे अकाउंट है तो उसी में आपको डालना है, सही मतलब जो करंट अकाउंट, जो पर्सनल कोई नंबर दे गूगल पे ये नंबर है उस पर कभी नहीं डालना। और दोस्तों स्क्रीन के ऊपर जो नंबर है वही डायरेक्ट सर के नंबर, उनसे बात करिए, वीडियो कॉल करके भी सर से बात कर सकते हैं, वो मतलब 7 बजे के बाद में आप कर सकते हो, ताकि फ्री रहते तो आराम से आपको माल बता सकते हैं। सुबह के मॉर्निंग का टाइम है, आराम से यहाँ पे भी 8:30-9 बजे हम यहाँ पे पहुंच गए, और थोड़ा बड़ा गोदाम बता देते तब जाके खाली, थोड़ा नीचे जाके अपने वेराइटीज भी देख लो, नीचे भी और एक गोदाम है सर का। जैसे ये नेटवर्क है, जैसे आप फ्रेश में लोगे जैसे 120 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए मीटर, इस तरह से समझा, ये मेरा पूरा लोट में डाला हुआ है, जैसे 60 रुपए मीटर, 60 रुपए मीटर, जो भी लो आप यहाँ पे कोई भी डिजाइन आप सिलेक्ट करके ले सकते हो, मतलब पूरा फ्रेश आएगा, ऐसा नहीं 100 की एल है, ये जैसे लोट आता है, जैसे मतलब किसी पार्टी ने अभी दीपावली और वो हिसाब सस्ता निकाला है, हमने भी उसको सस्ता डाल दिया, समझा, कोई भी चीज आप देख सकते हो, जैसे क्या बात, ये सब अगर फ्रेश में जाओगे आप तो 120-100 रुपए मीटर इस तरह का पूरा रहेगा, ओनली फॉर 60 रुपए मीटर, पूरे 100 की एल है और परफेक्ट मीटर गिना हुआ आएगा, जो आप डिजाइन चाहिए वो आप ले सकते हो, कलेक्शन मेरे पास बहुत है, समझा, आपको मिलता है, मतलब एनी टाइम मिलेगा सर? हाँ ये कभी भी मिल सकता है, मतलब कभी जैसे हमारा कैसा सर, जैसे लोट है, अब जैसे ये आ गया, हो सकता है इससे फैंसी आइटम भी आ जावे, समझा, इससे अच्छी भी आ जाए, इससे अच्छी भी आ जावे, एग्जैक्टली वो चीज है, देखिए कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज है, येलो कलर आप देखिए, जो आपको चाहिए ना वो डिजाइन आप डेफिनेटली ले सकते हो, ऐसा नहीं कि इतना ही पूरा लेना पड़ेगा, वो नहीं है, आराम से अगर चीज आप पूरे मार्केट में आप तपास कर सकते हो डिजाइन क्या रेट के, उसके बाद में आप लेके जाओ, सीधी सी बात है, मार्केट के प्राइस से दोस्तों आधी प्राइस में सारी चीजें मिलने वाली, इसका लहंगा बनाओ, गाउन कुछ भी बना सकते हो, लहंगा बनाओ, जो आपको बनाना वो आप बना, कपड़े भी बनाने के लिए कलर सारे मिल जाएंगे आपको, जो डिजाइन आपको समझ में आए वो आप ले जाएंगे, डेफिनेटली डेफिनेटली दोस्तों, बहुत सारी वेरायटीज है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, कितनी वेरायटीज मैं आपको दिखाऊं, मतलब आज दिन तक हमने जैसे कस्टमर जोड़ा है, कस्टमर को तोड़ा नहीं, हम यही चाहते हैं कस्टमर हमारे से जुड़ा रहे, दोनों का काम चलता है, समझा, मैं पहली बार कस्टमर को ये चीज गलत दे दूंगा, दूसरी बार आएगा नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं, कस्टमर जुड़ा रहेगा तो अच्छा है, भले 10 रुपए कमाए लेकिन वो 12 महीने कमाए, 12 महीने कमाए, वो हिसाब से हम काम करते हैं। यहाँ पे भी एक वेराइटीज में दिख रहा हूँ, ये भी बहुत ज्यादा भी जैसे गाउन फ्रॉक में, मतलब जैसे मैं बात करूँ ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा चल रही, तो ऐसे दोस्तों कई सारी वेराइटीज, कई सारे कौन से, ये भी इसमें कलर भी आप देख सकते, कलर भी बहुत सारे अलग, दुपट्टे चाहिए आपको, दुपट्टे मिल जाएंगे जाने वाले, तो दोस्तों वेराइटीज की कोई कमी नहीं, एक बार आइए, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, कॉल कीजिए, बहुत सारा है, मतलब मैंने जैसे आगे बोल दिया भाई, मतलब गोदाम है, खजाना है, मतलब यहाँ पे सोना भी जुड़ सकता है, जो भी, और मैं खुला बोलता हूँ कस्टमर, आप कोई बोलते हैं भाई हमारे को साथ में लेके जाना है, आप साथ में ले जाओ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे को देखो जैसे ये चीज बता के ये डालना नहीं है, वो डालना, क्योंकि हम अगर 450 बोल रहे हैं तो आपको 250 रुपए ने बताया, अगर 450 बता रहे तो चीज जो बताइए वही आपको पार्सल में आएगी, exactly. और आप बोल रहे हो साथ में ले जाना, साथ में ले जाओ, हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो घंटे ज्यादा साथ में ले जाना, साथ में ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी यहाँ पे अभी कैसा हो गया, जैसे बताया ये डाला वो, फिर कस्टमर बोलता है मेरे पास ये आइटम पहुंची है, आप साथ में ले जाओ, और कोई भी चीज आप सामने क्वेश्चन निकालो, कांटा पड़ा हुआ भाई मेरे को तोल के बता, अगर कोई बोलता है कि 15 मीटर चढ़ता है, ठीक है ना, सामने हाँ नाप के देखो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम, सीधी बात, मतलब एग्जांपल कहीं अपने आलू भी लेते तो देखो, आप बोलते फिर नुकसान जाता, नुकसान वहां पे जाता है, लास्ट में कोई 20 किलो माल जैसे कम, मैंने आपको 400 बताया, किसने 250 बता दिया, वो 20 किलो माल कम डाल दिया, तो वो हिसाब से आपका वहां पे आपको वो हो जाता है, मतलब बिजनेस में चतुराई होनी चाहिए, और डेफिनेटली वो चीज है, चतुराई सबसे पहले चीज है, सबसे पहली चीज, और वैरायटीज कॉन्सेप्ट की कोई कमी नहीं दोस्तों, आइए कॉल कीजिए सर से, और एनी टाइम आप बात कर सकते हैं, नमस्कार।